एक बार ना गाड़ी चला के देखो आप, ठीक है ना, चलाओगे उसका ब्रेक मार के देखना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ब्रेक में लग रही है मुझे, या ब्रेक की या प्लेट की प्रॉब्लम है लगी कुछ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है ये भाई, दो बार बचाऊं गिरते गिरते के चक्कर में, ये कभी ज्यादा लगती कभी कम लगती है। सो गाइस अभी हम आए हैं TVS कांगड़ा में, गाड़ी चेक करनी थी उसकी ना, अगली ब्रेक में प्रॉब्लम है, अगली ब्रेक ना रुक रुक के लग रही है, चला के देखो एक बार। कांगड़ा में आया हुआ मैं गाइस बाइक लेकर अभी, तो ये अभी चेक करवाएंगे, उन्हें फोरमैन को बोल दिया गाड़ी चेक करने के लिए। और ये जो TVS है बिल्कुल कांगड़ा मेन सिटी के अंदर ही पड़ती है, TVS एजेंसी, इसका नाम अभी देखा नहीं मैंने क्या है, ओरिएंटल, ओरिएंटल नाम है, ओरिएंटल TVS का। तो हम आए हैं ओरिएंटल TVS कांगड़ा में, तो अभी मैंने बोल दिया इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके लेडीज मारने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, एक बार ना गाड़ी चला के देखो आप, ठीक है ना, चलाओगे उसका ब्रेक मार के देखना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ब्रेक में लग रही है मुझे, या ब्रेक की या प्लेट की प्रॉब्लम है, जब ब्रेक मारोगे ना रुक रुक के लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ब्रेक मारने में। आ गए हैं भाई साहब। हाँ जी लगी कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है ये भाई, दो बार बचाऊं गिरते गिरते के चक्कर में, ये कभी ज्यादा लगती कभी कम लगती है। ये टेढ़ी है, रिम टेढ़ा है, डिस्प्ले नवी पाई है और मैंने ये दोनों नवे पुआए हैं, डिस्क पैड और प्लेट। वैसे तो छोड़ रही है लग रही है, दो बार बजा मैं गिरते गिरते इसके चक्कर में, या तो रिम का इशू है या प्लेट का इशू है, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है रिम करो रेडी, ये तो ब्रेक लग रही है हल्की हल्की ना, कहीं की टच हो रहा है हल्का हल्का। ये नई डलवाई है मोहाली में, मोहाली TVS सर्विस में डलवाई है, माजंदा TVS में। हाँ एक बार चेक कर लो वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो खुला टाइम आया लेके मैं आज इसीलिए। भाई साहब फोर मैंने सबसे बढ़िया काम यह किया कि वो दूसरी कपाचे का ही सेम फ्रंट वाला टायर निकाल के चेक करेंगे कि डिस्क प्लेट और रिम में प्रॉब्लम है किसमें, अगर डिस्क प्लेट या रिम में होती है तो कंफर्म हो जाएगा। अब ये करेंगे कि मेरा रिम निकालेंगे और इसके अंदर ये वाला रिम का डाल के चेक करेंगे चलाकर, अगर प्रॉब्लम हुई तो कंफर्म हो जाएगा किस चीज़ में प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हाँ खींचता हूँ मैं, चलो ये मत टायर है जी, नहीं पिछली बार ठीक है, अगले में प्रॉब्लम है, रोड पे ये गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है। नहीं नहीं ग्रिप करते हैं गाड़ी को पूरी, ये वाले ना जैसे टायर जो, नहीं नहीं लाइन वाले, लाइनिंग वाले बेस्ट जो है वो लाइन वाले ही होते हैं, वो रेसिंग पर्पस के लिए, ये रेसिंग के लिए है, मड टायर के लिए वो ठीक है। हाँ वो ठीक है, मड टायर में 24 घंटे मड में घूमना चल रहा है। नहीं नहीं वो ऑफ रोडिंग और वो टायर दोनों के लिए है, वो ऑफ रोडिंग के लिए तो बेस्ट है ना, नहीं दोनों के लिए पूछ के लिए मैंने टायर वो ना। अब प्रॉब्लम किसमें है, चेक बनेगा डिस्क प्लेट में कि रिम ठीक है, रिम डिस्क प्लेट बदल दो फिर इसकी, अगर डिस्क में प्रॉब्लम प्लेट में प्रॉब्लम है तो
चक्का से डिस्क पूरा ही यानी कि प्लेट गलत पाई उन्होंने फिर नवी प्लेट पाई है भाजी मोहाली टीवीएस एजेंसी ट्राई करके बिल्कुल बिल्कुल ये तो है तो गैस अभी क्या किया है उन्होंने चक्का बदला पूरा साथ में डिस्क प्लेट भी बदल दी है लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कुछ तो अब जो है फ़र्क पड़ा है गाड़ी में इसके चक्के में थोड़ी ही ना अगली वो हवा कम है शायद बट लेकिन चक्का ठीक चल रहा है लेकिन गाड़ी जो रुक रुक के नहीं लग रही जो ब्रेक डिस्क ब्रेक पहले रुक रुक के लग रही बिल्कुल वैसे नहीं लग रही अब हाँ जी फर्क तो है थोड़ा सा फर्क पर है इसमें कर लेंगे वापस वो पता नहीं कितना टाइम होगा आपको पता 3 महीने भी नहीं हुए अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए अभी लगाई है ये 4 महीने हुए लगाई को इसको डिस्क में प्रॉब्लम है या रिम में भी हो सकती है डिस्क में ये प्रॉब्लम है ये वाली प्लेट में प्रॉब्लम है यानी कि प्लेट में ही है ऐसा करो फिर प्लेट नहीं डाल दो ना डाल दो ये वापस कर दूंगा मैं क्या कह रहे हो अच्छा हाँ इसका लगा दो आप फिलहाल इसको रख दो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ये ताकि डाल दो मैं इतना फिर गिरने का डर है ना उसमें फिर बहुत दिक्कत है उसमें तो पक्का डिस्क में ही प्रॉब्लम है ये प्लेट में ही है चेक करा दी मैंने क्या पता वो चक्का भी साथ में चेंज हो गया ना रिम भी चेंज हो गया नहीं है पक्का चलो फिर ठीक है फिर डिस्प्ले डाल दो आप सो गाइज अभी जो है ये डिस्प्ले मैं चेंज करवा रहा हूँ बिकॉज वो प्लेट में प्रॉब्लम है एज़ पर जो ये बता रहे हैं मुझे भी डाउट है कि प्लेट में ही प्रॉब्लम है तो ये मैं मोहाली में जाके मानचंदा टीवीएस में वापस करूँगा ये वाली प्लेट और यहाँ से मैं नई प्लेट डलवाऊँगा अभी बिकॉज भाई गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है ब्रेक लगती तो डर लगता है भाई गाड़ी गिरने का डर लगता है एकदम से तो ये सीन हो रहा है प्रॉब्लम अपनी इस डिस्प्लेट में है तो ये जो मैंने डिस्प्लेट डलवाई थी मोहाली से मानचंदा टीवीएस से तो ये उनके पास लेके जाऊंगा उनको वापस करूंगा कि मैंने प्लेट तो नहीं डलवा ली है या तो मुझे ये प्लेट आप जो भी होगा उनसे वापस लेंगे भाई क्योंकि इस प्लेट में जब से मैंने ये प्लेट डलवाई तभी से ही प्रॉब्लम आ रही है अब यहाँ से नई प्लेट डलवाएंगे और फिर चेक करेंगे गाड़ी कैसी चलती है अभी भाई ने तो बताया कि प्लेट में प्रॉब्लम है ये जो डिस्प्लेट है इसमें प्रॉब्लम है बाकी देखते हैं अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस जिन्होंने जब तक सब्सक्राइब नहीं किया हिम बाइकर विशु है ना पर कहते हैं प्लेट तो बैंड होती नहीं है बैंड कैसे होगी मतलब ये पीछे से ऐसी ही है फिर या तो बैंड तो जल्दी जाएगी नहीं ये पीछे से ऐसी आई होगी फिर ये गड़बड़ी आई है खोलेंगे ना तो टेडी करेंगे अप डाउन करेंगे ना तभी जाती है तभी उन्हें चोटा ही बाहर नहीं निकालते इसको वो निकल नहीं रही थी वहाँ पे ना पुराने वाली तो गाइस ये नवी प्लेट आई है ये नई प्लेट बिल्कुल फ्रेश पीस और इसका प्राइस ये है कितने की है महंगी होगी पहले सस्ती थी ये तो 1300 की होगी ये नया रेट है ये भी नई प्लेट है ये तो माड़ी सेट हो रहा ब्रेक ये नई आई है प्लेट ना ये अलग है ये अलग है सेम ही है अच्छा जी अभी जो इसकी डिस्प्ले है ना अभी डल गई हुई है तो अब चला के देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है इसकी अब आई होप कि गाड़ी की ब्रेक अच्छी लगे बिकॉज पहले तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता ब्रेक लगाने में बहुत डर लग रहा था लगाते हुए कि ऐसा लगा था गाड़ी पलट जाएगी मैं वही तो कह रहे रिम में भी दिक्कत है हल्की सी चल जाएगा काम इतना मेन पता लगता है 80-90 की स्पीड में ना एक बार हाईवे पे ले जाऊं
ओके अब तो गाइस अब तो डिस्प्ले डालने के बाद एकदम ओके चल रही है गाड़ी, अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ जी भाजी ओके है गाड़ी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सो गाइस अभी हमने डलवा ली है प्लेट, गाड़ी होगी अब ओके ही चल रही है। अभी हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा और पता लगेगा कैसी है परफॉर्मेंस गाड़ी की। तो ये गाड़ी का उन्होंने फटाफट काम कर दिया बंदों ने, ये अच्छी लगी मुझे बात इनकी, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट किया उन्होंने, ऑन द स्पॉट गाड़ी का काम किया फटाफट से। और जो प्लेट डली है वो डली है 1300 रुपये की, और 150 रुपये की ली है लेबर इन्होंने। भाई साहब देख लो भाई, नवी प्लेट डलवानी पड़ेगी एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में। और ये है एजेंसी ओरियंट टीवीएस, कांगड़ा में पड़ती गाइस, मेन कांगड़ा में सिटी में इनका शोरूम है। कि जैसे मैं आके खड़ा हुआ था तो गाड़ी साथ ही चेक की, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी देखने में। तो अभी चलाते हैं गाड़ी को और चेक करते हैं डिस्क में जो फर्क है। वैसे चलाने में पता लग गया गाड़ी में फर्क तो आया हल्का सा, क्योंकि जो पैड है अब अच्छे चल रहे हैं, पहले पैड बड़े ही प्रॉब्लम कर रहे थे। सो है गाइस, आपने देखा होगा आज की वीडियो में कि मैं आया था आज कांगड़ा, और मैंने ओपनिंग भी नहीं की गाइस, अपनी ओपनिंग भी भूल गया था गाइस। अभी मैं आया हूँ कांगड़ा, कांगड़ा में आया हूँ मैं अपनी बाइक ठीक कराने के लिए। गाइस मैं कांगड़ा में आया हूँ टीवीएस ओरिएंटल टीवीएस में, देखा होगा आप। तो बाइक की जो प्रॉब्लम आ रही थी अगली डिस्क प्लेट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था अपने डिस्क है प्रॉपर तरीके लग नहीं रही थी। तो अभी मैंने डिस्क प्लेट चेंज करा दी, आपने देखा होगा। तो गाइस ये वीडियो थी यहीं तक, अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।